अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम खा रहे थे गोलगप्पे पानी पूरी, सबने मिलके गोलगप्पे खाया। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, गांव में ना इस तरीके से जो मुर्ख होते हैं पापड़, उसे बनाकर पहले से ही साल भर के लिए इसे बना के ड्राई करके रख लेते हैं। जब भी इनको बनाना हो तो तुरंत इसे फ्राई करके यूज़ करते हैं। बहुत ही टेस्टी और मसालेदार होंगे। मसाले वाले पापड़, प्लेन पापड़, इस तरीके से इसके भी अलग अलग वेराइटी हैं। ये घर पे ही बनाया है हमारे अम्मी ने। इस चीज़ को बनाना बहुत सिंपल है। पता नहीं इसके कितने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं, मुझे भी नहीं मालूम। अभी मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। सिर्फ़ आपको तेल गरम करके इसे डालना होता है, सेम जैसे पापड़ तलते हैं उसी तरीके से। लेकिन ये घर पे बनाते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अभी ये स्नैक टाइम हो चुका था, घर पे कोई दूसरा चीज़ नहीं था खाने के लिए, तो बच्चों को यही हम फ्राई करके दे देंगे तो खुशी से खा लेंगे। अभी मेरा बड़ा बेटा भी नहीं खाना खाया था, तो मैं उसे ये मुर्ख और वेजिटेबल राइस दे रही हूँ, वो शौक़ से खा लेता है। ये देखिए, यहाँ पर फरहान को बुलाने आई हूँ मैं खाना खाने के लिए। दूसरे बच्चे सब वहाँ खेल रहे हैं और आम पकने के लिए रख रहे हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फरहान के काम आसमान को पेपर की दूरबीन बना के देख रहा था। ठंडा ठंडा वाटर मेलन कट करके सब लोगों को दे रही थी। ये देखिए, छोटा बेटा लेके चला गया। यहाँ पर भाभी काम कर रहे हैं और मैं इन्हीं के पास ला के बैठ गई वाटर मेलन खाने के लिए। वो भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। अभी नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैं फ्रेश होके वज़ू करके नमाज़ पढ़ रही थी। हर नमाज में जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप दुआ करें फ़लस्तीन गाज़ा के लिए, आप ज़रूर दुआ कीजिए। मुझे मालूम है सब लोग दिल से दुआ कर रहे हैं, लेकिन आप हार मत मानिएगा, दुआ करते ही रहिए, मदद कीजिए उन लोगों की। हमारे से भी जितना हो सके हम उतना मदद कर रहे हैं उन मासूमों की। तो मैंने कुरान पढ़ के हो गया था, यहाँ बाहर आ गई थी। फरहान ने भी खाना खा लिया था। यहाँ देखिए, फरदीन को साइकिल नहीं चलाने आती, तो बड़ा भाई छोटे भाई को साइकिल चलाना सिखा रहा है। ये देखिए, सिखाते सिखाते गेट के बाहर चला गया है। अभी मैं इसको, छोटे वाले बेटे को, साथ ही में खाना भी खिला रही हूँ। ये देखिए हाइम, बहुत ही मुश्किल होता है इसे खिलाना, एक एक अवर लग जाता है थोड़ा सा खिलाने में। ये देखिए, यहाँ पर आ गए हैं साइकिल लेके। थोड़ा सा उसे साइकिल चलाना आता है, लेकिन उसे पकड़ना पड़ता है साइकिल, नहीं तो वो नहीं चला पाता, डर के गिर जाता है। एक ही राउंड सिखाया, दूसरे राउंड में भाई लेके चला गया। चलिए, अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ। अभी डिनर भी बनाना है, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। सारे चीज़ों को क्लीन करके, उसे कट करके, हमने देखिए सारे मसालों को रख लिया है। ये है बैगन, इस तरीके से हम इसे भी चार पीसेस में कट करके इस तरीके से रख लिया है हमने। ये रेसिपी विलेज की है, गांव में बहुत ही पसंद से शौक़ से खाते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है ये। ये है लोबे का सालन। हम मसाला पीसने के लिए एक जार लिया है, उसमें हरा धनिया, प्याज, ज़ीरा और लहसुन, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसे बारीक पीस लेना है। कोकोनट और टमाटो दोनों को भी इसी तरीके से पीस के रेडी कर लूँगी। देखिए, हमारे सारे मसाले रेडी हैं। लोबे को भी हमने पहले से ही भिगो के रख दिया था, वो भी अच्छे से भीग गए हैं। इस लोबे के सालन को हम विलेज स्टाइल में बना रहे हैं। इस सालन में हम जो जैक फ्रूट के बीज आते हैं ना, उसको सुखा के उसके बीज के छिलके निकाल के उसे भी ऐड करेंगे हम, तो बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन। अभी हमने लिया है एक कुकर, उसमें ऐड किया है ऑयल। अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। नेक्स्ट राई ऐड करेंगे, उसके बाद कड़ी लीफ को डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें आलू और बैंगन को डालेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों को अच्छे से फ्राई होने के बाद हमने इसमें जैक फ्रूट के जो बीज हमने निकाल के रखे थे क्लीन करके, उसे ऐड कर देंगे, सारे जैक फ्रूट के बीज को। इस सालन में
जैकफ्रूट के बीजों का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अभी जो भिगो हुए लोबे थे उसे भी ऐड कर देंगे। अभी इसे इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ऐड करके इसे भी इन सारे चीज़ों के साथ हमें इसे फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी हमने जो हमारा हरा मसाला पीस के रखा था उसे ऐड करेंगे। जो कोकोनट की प्यूरी बना के रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। टमाटो की प्यूरी को भी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। एक उबाल आने तक इसे खुले में पका के एक सीटी आने तक हम पका लेंगे। देखिए अभी हमारा सालन बन करके रेडी है। मैंने एक बोल में निकाल लिया है। प्लेन राइस बना लिया था और ये सालन, दोनों का कॉम्बिनेशन मज़े का लगता है। चलिए फ्रेंड्स आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ये देखिए मैंने प्लेन राइस में थोड़ा सा सालन ऐड किया है। अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का बना था। अगर आपको पसंद हो तो आप बनाइएगा। सबका खाना पीना हो चुका है। अभी हो रहा था शाम का टाइम, धूप भी कम हो गई थी। सब बच्चे बाहर आए हैं खेलने के लिए ग्राउंड में। फरहान साइकिल में अरफान को घुमा रहा था। देखिए वो किस तरीके से भाई का हाथ पकड़ के बैठता है, हैंडल तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, कहीं गिर ना जाऊं इसीलिए इस तरीके से वो अपने भाई का हाथ पकड़ के बैठता है। बहुत ही क्यूट लग रहा था सामने से देखने के लिए। बहुत ही बच्चे मस्ती एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं। कड़ी धूप के वजह से बच्चे दिन में नहीं निकलते, घर के अंदर ही रहते हैं, शाम के टाइम ही वो निकलते हैं। यहाँ देखिए बाहर झूला भी लगाया हुआ है तो मैं झूला झूल रही थी। यहाँ एकदम से इतनी तेज़ आंधी आई है ना फ्रेंड्स, बहुत तेज़ हवा, डस्ट, मिट्टी, धूल सब इतना तेज़ चल रही थी। हवाएं आप देख सकते हो, प्लांट्स को देखिए आप कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं। सारे जिसने भी कपड़े सूखने के लिए डाले थे सब नीचे गिर रहे थे। तो हमने डर के बच्चों को लेके अंदर आ गए थे, गेट लॉक कर दिया है हमने। घर के अंदर आते ही फिर से इनकी शरारत स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से सोफ़े के पिलो को रख के सब ऊपर बैठे हैं। मेरा छोटा बेटा आके फरदीन को मार दिया है, देखिए। सब किसी को नहीं छोड़ता, सबके पीछे लगा रहता है, सबको तंग करता रहता है। ये देखिए बहुत तेज़ आंधी के बाद थोड़ी हल्की सी बारिश भी हो गई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा हो गया था मौसम। यहाँ पर हम सब बैठकर ऑरेंज और सपोटा एंजॉय कर रहे थे। मेरे बेटे को ऑरेंज बहुत पसंद है तो वो खा रहा था, उसे खिला रही थी। आज के लिए बस इतना ही, इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।